नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों, कैसे हम अपने आधार कार्ड का मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर हमारा आधार कार्ड पे लिंक है या हमारे आधार कार्ड पे नंबर लिंक है या नहीं है, कैसे उसको चेक करना है। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। जैसे आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सर्च वाले आइकन ऊपर पे सर्च पे आपको सर्च करना है माई आधार। यहाँ पे हम माई आधार सर्च कर लेते हैं। जैसे आप माई आधार सर्च करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप माई आधार सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऊपर माई आधार का वेबसाइट खुल जाएगा, वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं या आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे आप वेरीफाई ईमेल या मोबाइल नंबर कर सकते हैं, यहीं से आप लगा सकते हैं अपने मोबाइल पे मोबाइल नंबर, अपने आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर भी यहाँ से लगा सकते हैं और अपने आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक भी यहीं से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड खो गया, कहीं कुछ हो गया, तो आप यहाँ से अनलॉक या लॉक भी कर सकते हैं। तो अभी हमको जो जो है चेक करना मोबाइल नंबर कौन सा लगा है या नहीं लगा। अगर आपको मोबाइल नंबर चेक करना है तो यहाँ पे चेक आधार वैलिडिटी पे ऑप्शन आता है, तो यहाँ चेक आधार वैलिडिटी पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप आधार वैलिडिटी पे चेक कर डाल देंगे तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना होता है। चलिए हम अपना आधार नंबर डाल लेते हैं। जैसे आप आधार नंबर डाल देंगे तो यहाँ पे आपको कैप्चा भरने का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे कैप्चा भी डाल देना जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे हम कैप्चा डाल देते हैं। जैसे आप कैप्चा फिल करेंगे तो यहाँ प्रोसेस वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, तो आपको प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे एज ब्रांड यानी कि आप कितने से 20 से 30 साल के हैं, या तो अगर आप 30 प्लस होंगे तो 30 से 40 दिखाएगा, या 20 के अंदर है तो आपको 10 से 15 से 20 साल दिखाएगा। तो यहाँ पे आपका जेंडर दिखाएगा और आपका स्टेट भी यहाँ पे दिखेगा। तो एक बार देख पा रहे होंगे मोबाइल नंबर, मोबाइल भी दिया होगा। या तो मोबाइल नंबर शुरू का आपका मोबाइल नंबर जो है डैश डैश करके होगा, क्योंकि पूरा नंबर नहीं दिखा सकते। तो आपको बता दें यहाँ पे 182 हमारा दिख रहा है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका मोबाइल नंबर लगा, क्योंकि आपके पास जो नंबर होगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कोई मोबाइल नंबर पे ये नंबर है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।